अखबार सामने आ। आप अपना मार्क कैसे भूल गए? पशुवार, तुम्हारा दमन करने का समय आ गया है। दमन? दमन? अच्छा है, अच्छा है। अपस्मार के सामने आते ही देवों के देव महादेव को इस तथ्य का विस्मरण हो गया कि अपस्मार का दमन करना असंभव है। अपस्मार का दमन करना संभव नहीं। महादेव, महादेव, महादेव। आप भूल रहे हैं कि मैं आदि शक्ति की विस्मृति से कितना शक्तिशाली हो गया हूं। शक्तिशाली। और अब मैं अपने लक्ष्य के समीप भी पहुंच चुका हूं। और अब वो समय जल्दी ही आने वाला है महादेव, जब ये संसार देवताओं के नहीं मेरे अधीन होगा। मेरे अविद्या अज्ञानता का प्रभुत्व होगा। संसार ये भूल जाएगा कि देवताओं जैसे जीव भी हुआ करते थे पहले कभी। देवताओं ने संसार के कल्याण हेतु जो भी किया है सब मिट जाने वाला है महादेव, मिट जाने वाला है। और आपका ये विषपान ये भी व्यर्थ ही जाएगा महादेव, व्यर्थ ही जाएगा। उसे वहीं रहने दीजिए। औषधि है, घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे पीड़ा कुछ कम हुई क्या जलंधर? असुरराज, चिकित्सा कक्ष के भीतर सभी रोगी होती हैं। मैं अपने रोगियों को उनके नाम से ही संबोधित करती हूँ, उनके उपाधि से नहीं। तुम हो कौन? और मैं कहाँ? स्मरण कीजिए, उत्तर खुद मिल जाएगा। कालनेमी पुत्र वृंदा,
श्रेष्ठ असुर काल नेमि का भवन होगा। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, परंतु आपके प्राणों की रक्षा करना किसी भी असुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है असुरराज। चल अंतर। आप मुझसे युद्ध करके अपना समय व्यर्थ ना करें इस स्वार्थी संसार के लिए, क्योंकि आप मुझे मार तो सकते नहीं, नहीं आप मुझे पकड़ सकते हैं। मेरा कोई एक रूप नहीं, मेरी पहचान नहीं, मैं तो एक नट की भांति हूं, एक आत्मा की भांति जो वास्तविक स्वरूप मेरा है। किसी को पता ही नहीं महादेव, किसी को पता ही नहीं। जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार को पकड़ना संभव कहां है। महादेव, महादेव। एक बात कहूं, आपके रक्त में बहता हुआ विष तो मैं निकाल दूंगी, परंतु जो विष आपके मन को निरंतर रूप से भस्म कर रहा है उसका उपचार अनिवार्य है। कक्ष में औषधियाँ पहुँचा दी हैं, केवल असुरराज की औषधि शेष है।
मैं ये ले जाऊं? नहीं, रहने दो, मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाओ। ये सूख गया है। मैं इस पर और लेप लगा दूं? नहीं, ये ठीक है, मुझे अपने कार्य पूरा करने के लिए एकांत चाहिए। चिकित्सा का प्रभाव स्पष्ट है। मैंने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी? मुझे सतर्क रहना चाहिए था। किंतु इस घटना के पश्चात भी तुम अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर रहे। हां जलंधर, पतिव्रता की शक्ति तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेगी, इसलिए युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारा विवाह अनिवार्य है। नहीं आचार्य, मैं अपने संघर्ष में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं बढ़ाना चाहता। मैं अकेला ही ठीक हूं। हम गुरु हैं तुम्हारे, यदि तुम्हें कोई सुझाव दे रहे हैं उसके पीछे अवश्य अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इसलिए पहले विवाह और फिर युद्ध। किंतु आचार्य, ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं विवाह करना चाहूंगा। ठीक है, यदि तुम विवाह नहीं करना चाहते तो हम तुम्हें विवश नहीं करेंगे। अब शीघ्र ठीक हो जाओ। से पकड़ना चाहेंगे, यहां से या इधर से? अपनी पत्नी को विस्मृति से मुक्ति दिला दीजिए, देवों के देव महादेव। क्या हुआ? कठिन कार्य है, अब क्या करेंगे आप? कहें तो एक सुझाव और दूं? जाइए जाइए, चले जाइए, भूल जाइए, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं और जो है ही नहीं उसको नियंत्रित कैसे करेंगे महादेव? उसका विनाश कैसे करेंगे महादेव? और हाँ, अपनी पत्नी को भी भूल जाइए, क्योंकि मैं उन्हें इस विस्मृति की स्थिति से उभरने नहीं दूंगा। उन्हें अब कभी स्मरण नहीं होगा कि आप कौन हैं और आपके साथ उनका संबंध क्या है, हैं? अस्मार, तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु विस्मृति के दैत्य तुम यह भूल गए, जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। उत्तम, अति उत्तम।
इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। अब हम सबको शीघ्र ही महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। नटराज के अवतार में मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है जो लुप्त हो चुका है वो भी मैं ही। इस प्रकार से भविष्य के गर्भ में जो भी है वो भी मैं हूं। भूत वर्तमान और भविष्य मुझ में ही नहीं है, तीनों तप मुझसे है, तीनों गुण मुझसे। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना, सत्य और योग का अग्नि कण उसे एक क्षण में समाप्त कर देता है, और ये योगा अग्नि किसी अपस्मार के बुझाए नहीं बुझने वाली। ओम नमः शिवाय।